सपा पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल धोखाधड़ी के एक मामले में वारंट जारी होने के फरार चल रहे थे। पेशी पर न्यायालय पहुंचे वीर सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। दस्यू ददुआ के बेटे सपा पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल को विशेष न्यायालय SC/ST की अदालत ने सोमवार को न्यायिक हिरासत में लिया है। पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल धोखाधड़ी के एक मामले में 2 साल से वारंट जारी होने के बावजूद भी फरार चल रहे थे। पेशी पर पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल के खिलाफ 2017 में करवी कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मुकदमा सेवानिवृत्त गल्ला मंडी कर्मचारी व करवी शहर के शत्रुघ्नपुरी निवासी मोतीलाल बोरिया ने पूर्व विधायक के खिलाफ धारा 420, 406, 504, 506 व अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराया था। उनका आरोप है कि वर्ष 2013 में तत्कालीन पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल के यहां गया था। उस समय वह चित्रकूट सदर सीट से विधायक थे। उन्होंने बेटे की नौकरी दिलवाने के नाम पर उनसे 2 लाख रुपए लिए थे। 4 साल बीत जाने के बाद ना तो नौकरी दिलाई और ना ही पैसा वापस किया, बल्कि पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया था। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी जगत पाल ने बताया कि न्यायालय से 2 वर्ष पूर्व विधायक को वारंट जारी हुआ था, लेकिन विधायक हाजिर नहीं हुए हैं। सोमवार को न्यायालय में हाजिर होने आए तभी न्यायालय ने उन्हें हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।